हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज का सीन क्या है कि आज है बारिश बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से मैंने सोचा है कि जब निकल रहा हूँ तो मैं फिर जो है वो ब्लॉग भी बारिश का ब्लॉग के लिए बनाऊँ लाजमी। तो अफ्रीका की बारिश किस तरीके से गुजरती है वो आज हम देखेंगे और फुल मज़े करने वाले हैं आज भी बारिश के अंदर, सारे रोड सब इंजॉय करेंगे, बहुत मस्त मज़ा आने वाला है। सो कीप वॉचिंग, लेट्स स्टार्ट। गाड़ी रेडी है, ड्राइवर रेडी है और समन भाई से बाय। सो ये हमारा इंतज़ार करेंगे, वापस आके इनसे मिलेंगे। सो सफ़र जो ट्रैवल है हैज़ बीन स्टार्टेड। सो राइट नाउ बारिश एंड अगेन बारिश। सो वन लाइन, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, मेरी हर कमी को है तू लाजमी। लेट्स स्टार्ट द सफर, ट्रैवल स्टार्ट करते हैं। आई वीडियो दिखाता हूँ कि बारिश किस तरह से हो रही है, किस तरह से चीज़ें अफ्रीका में मैनेज थे। तकरीबन सुबह 4 बजे से बारिश हो रही है और अभी इस वक्त 11 बज रहे हैं, स्टिल रेनिंग। भाई ये कंडीशन हो गई है, बारिश बढ़ती जा रही है मुसलसल और रोड आपको नज़र आ रहे हैं किस तरह के हो चुके हैं। तो मुसलसल ये कंडीशन है भाई, ये हमारे यहाँ होता है। लेकिन मैंने बस ये चीज़ देखी कि यार हर जगह का अलग इन्वायरमेंट है, हर जगह की अलग कहानियां हैं। और ये रोड पे देखें मुसलसल इतनी देर से बारिश हो रही है, तकरीबन पिछले 1.5 घंटे से या दो घंटे से मैं इस रोड पर जो है वो सफ़र कर रहा हूँ, मुसलसल बारिश इसी तरह से हो रही है। लेकिन आपको नज़र आ रहा है कोई पानी नहीं है, पानी कुछ नहीं, कोई चीज़ नहीं, मुसलसल बारिश बहुत तेज़ हो रही है। कैमरा उतनी दिखा पा रहा लेकिन फ़िलहाल बारिश बहुत तेज़ हो रही है और मज़ा भी बहुत आ रहा है, एंजॉय कर रहा हूँ चीज़ें। और ये बस बाकी जो बोर्ड आ रहा है इस पर लिखा हुआ है विक्टोरिया आइलैंड तो हमें नज़र नहीं आएगा इसे, तो विक्टोरिया आइलैंड भी देखते हुए चलेंगे। लेकिन ये है भाई सिचुएशन, बारिश इस लेवल की बारिश होती है नाइजीरिया में। इस वजह से लोग बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं बारिश में, क्योंकि उन्हें पसंद ही नहीं है। मगर क्या है कि जिनको काम पर जाना है, मतलब ये समझें कि 100% में से 10% लोग ही निकलते हैं इस बारिश में, वरना नहीं निकलता आपको रोड पर नज़र आ रहा होगा। वरना ये इतनी बिजी स्ट्रीट है, मैंने आपको बताया कि 1 घंटे का सफ़र इस सर 5 घंटे में होता है, इतनी बिजी स्ट्रीट है। लेकिन फ़िलहाल हमें इस चीज़ का एडवांटेज भी मिल रहा है कि हम जल्दी पहुँच जाएंगे अपने टाइम से अपनी लोकेशन पर, और फिर अपने जो भी प्लान है वो वहाँ जाके करेंगे। मगर मैंने सोचा कि बारिश की मदद तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। तो जो बारिश का सफ़र है ना, ये बार बार ये अलग ही चीज़ है, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, तो बहुत ज़्यादा बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। और हो सकता है कि आप लोग भी इसको देख के इन्जॉय कर रहे हो, क्योंकि ये सफ़र है ही इतना सी। तो देख लो भाई अभी देखेगी बारिश भी, और जो पिछला रोड जो हमारा गुजरा था जो ट्रैफिक की वजह बन रही, वो मैंने अभी ड्राइवर से अपने पूछा तो उसने बताया कि भाई ये 2004 में मैं इस तरह सिटी में आया था और मैंने काम करना शुरू किया था, लेकिन 2015 और 16 के बाद यहाँ पे इस एरिया में जो गवर्नमेंट है उसने डेवलपमेंट स्टार्ट करने की कोशिश की और यहाँ पे लोगों ने आना शुरू किया। अच्छा यहाँ पर ये चीज़ ऐसी है कि जैसे ही नया एरिया कोई डेवलप होना शुरू होता है लोग फटाफट भाग कर आते हैं, और यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो लेडीज़ जो है वो शॉप्स के ऊपर काम करती हैं, और ज़्यादातर शॉप्स छोटी मार्केट्स जो घीए बना के या पथारे डालकर जो लोगों ने बनाई हुई उसमें ज़्यादातर लेडीज़ ही काम कर रही होती हैं। अच्छा सर्दी का जो सेटअप है वो ऐसा पड़ता जा रहा है, और भाई ने एसी भी जो है ना वो फुल चिल किया हुआ है, ये भी एक सीन है। लेकिन बस ये है भाई, ये है ज़िंदगी मज़े की ये फ़िलहाल। और थैंक्स टू माई फ्रेंड हु गिव मी। सो बस अब इस बारिश के साथ जो है ना वो मैं ज़्यादा नहीं पकाना चाहता, तो थोड़ा सा म्यूज़िक सुनते हैं और उसके बाद फिर आगे मज़ीद जो भी चीज़ें होंगी वो आपको बताऊँगा, और साथ साथ मैं आपको ड्राइवर का इंटरव्यू भी सुनवाता हूँ कि वो क्या कहता है इस बारे में। और ये बेसिकली इनका डिफेंस एरिया शुरू हो चुका है एक तरीके का, ये विक्टोरिया आइलैंड और CMS जैसी जगहों पर आप जब घूमोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप नाइजीरिया में हो। और हर किसी मुल्क की एक डार्क साइड होती है और एक पॉजिटिव साइड होती है, तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं पॉजिटिव साइड्स दिखाऊँ हर जगह की। डार्क साइड्स होती हैं बट वो दिखाना ज़रूरी भी नहीं होता, बस ये कि इन्फॉर्मेशन दे दोगे कहाँ पे आपको सेफ साइड चलना है, कहाँ पे आपको इजीली घूम सकते हो। तो यहाँ पर
जो चीज़ सुनी थी अब तक जो अक्सर वीडियोस में ब्लॉग्स में देखा है, ज़रूरी यही है कि भाई आप किसी लोकल के साथ आओ, अकेले आने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके साथ घूमने में ज़्यादा फायदा है। मगर अभी तो रोड देख के खुशी हो रही है ना, साफ सुथरे, यानी कि बगैर ट्रैफिक के, वो मुझे बड़ा मज़ा करना है, तो वो बड़ा मज़ा आता फिलहाल। और ये हम सामने आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं, हम पहुँच गए हैं यहाँ के हसन स्क्वायर। आज फिर ये जो आपको वाइट बिल्डिंग नज़र आ रही है, पहले हसन स्क्वायर है, और वो जो आपको ऊपर एक टावर नज़र आ रहा है, ये सिविक सेंटर टावर है, और ये जो वाइट बिल्डिंग इससे पहले नज़र आ रही है, ये यहाँ का सिविक सेंटर है। ये तो एंजॉय द ड्राइव। ये देखिए बाबा एंजॉय सिविक सेंटर टावर। चारों तरफ समंदर है, बीच में बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाई हुई है, और अच्छा इन्वायरमेंट है बहुत इस तरीके से, पुल 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 बना के हर जगह इन्होंने जो है वो सारे काम किए हुए हैं। और बारिश है, संभल के चलना है, संभल के चलना।